आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने विंडोज 10 या फिर 11 के अंदर आप बैकग्राउंड ऐप्स को कैसे डिसेबल कर सकते हो। बैकग्राउंड ऐप आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जो कि आपके इंटरनेट का भी कंज्यूम करते हैं और आपकी कंप्यूटर की स्पीड को भी डाउन करते हैं। तो आज मैं उनको भी डिसेबल करके बताने वाला हूँ कि आप कैसे बैकग्राउंड ऐप्स को आप डिसेबल कर सकते हो विंडोज 10 और 11 के अंदर। तो मैं आपको विंडोज़ 10 के अंदर करके बताने वाला हूँ, आप 11 में भी वही प्रोसेस सेम यहाँ पर फॉलो होगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। सेटिंग को ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करना है और जैसे आप ऐप्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप्स। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ बैकग्राउंड ऐप्स। तो जैसे आप यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं लेट्स ऐप रन इन द बैकग्राउंड, यानी ये जो भी आप यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं ये बैकग्राउंड में यहाँ पर मैंने टर्न ऑफ करके रखे हैं। इनको टर्न ऑफ करने के लिए सिंपली आपको इस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर ये मेरा टर्न ऑन कर दिया मैंने, ये पहले मेरा टर्न ऑन था, फिर मैंने इसको ऐसे जैसे क्लिक करेंगे मैं इस पर तो यहाँ पर ये टर्न ऑफ हो जाएगा। सो इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऐप को डिसेबल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐप को आपको हमेशा डिसेबल करके रखना चाहिए क्योंकि ये आपके इंटरनेट को भी कंज्यूम करते हैं और आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी डाउन करते हैं और आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऐप्स को डिसेबल कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।